धनबाद एसएसपी एचपी जनार्दन के निर्देश पर टीम ने निरसा थाना क्षेत्र के तेतुलिया स्थित अनिल गोयल के भट्टा श्याम ट्रेडर्स में छापेमारी किया है, लेकिन इस दौरान भट्टा के मुख्य द्वार पर ताला लटका हुआ था, जिसके कारण पुलिस की टीम अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। हालांकि पुलिस टीम अभी भी वहां कैंप किए हुए है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि बड़ी संख्या में वहां कोयला का भंडारण है और अवैध कोयला खपाने का काम किया जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर एसएसपी के निर्देश पर टीम ने छापेमारी किया था, लेकिन पुलिस टीम ने अंदर प्रवेश करने में सफलता नहीं पाई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अब देखना यह होगा कि आखिर पुलिस अंदर प्रवेश करने में कब सफल हो पाती है। इधर इस कार्रवाई के बाद कोयला चोरों के बीच हड़कंप सा मचा हुआ है। ब्रेकिंग कर दीजिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता गोवर्धन हमसे जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, धनबाद में पुलिस जो है लगातार कोयला के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उसी से जुड़ा एक मामला ये भी आया है, क्या है पूरी जानकारी? जी स्नेहा, ऐसा है कि कल करीब 6 बजे के आसपास में ये निरसा थाना क्षेत्र के तेतुलिया ये श्याम ट्रेडर भट्टा में ये पुलिस की छापेमारी हुई, जिसमें जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो देखा गया कि बहुत सारे पुलिसकर्मी वहाँ पे उपस्थित थे, लेकिन जो मेन दरवाजा था उनका ताला लगा हुआ था। जब उन लोगों से बात किया गया तो हल्की दबी आवाजों में उन्होंने बताया कि यहाँ से तो सारे लोग फरार हैं, लेकिन हम लोग अभी इस पर गश्ती लगाए हुए हैं, जैसा भी होगा आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। जी गोवर्धन, जैसे कि धनबाद से आए दिन अवैध कोयला से जुड़े हुए मामले आते रहते हैं, इसमें प्रशासन की कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इन कोयला अवैध खनन इन सब में रोकथाम की जा सके। जी ना, ऐसा है कि जब से नए एसएसपी एसपी जनार्दन ने पदभार संभाला है, देखा ही जा सकता है कि धनबाद में तावड़तोड़ अवैध कोयला कारोबारियों के ऊपर दिन ब दिन छापेमारी की जा रही है। इससे तो कहीं ना कहीं जितने भी धनबाद के अवैध कोयला कारोबारी लोग हैं उन लोगों का कमर टूटी हुई है, लेकिन सवाल सबसे बड़ी है स्नेहा कि इतना जो अवैध कोयला का कारोबार चल रहा था किनके संरक्षण में चल रहा था, सबसे बड़ी सवाल है स्नेहा। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि इतने दिनों से जो कोयला मामला चल रहा है, अवैध कोयला का मामला चल रहा है, किसके संरक्षण में चल रहा है और प्रशासन इनके आगे इतनी कमजोर आखिर क्यों नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें भट्टा श्याम ट्रेडर्स की, यहां पर यह मामला सामने आया है कि कोयला का भंडारण किया गया है, इसके आधारित क्या कुछ जानकारियां हैं गोवर्धन? जी ऐसा है कि स्थानीय सूत्रों के अनुसार पता चलता है कि ये बहुत बड़े अनिल गोयल जो है बहुत बड़े ही कोयला कारोबारी रह चुके हैं धनबाद के, और इनका बहुत बड़ा ही रैकेट है जैसे सूत्रों के अनुसार पता चला है सुना, लेकिन असल में देखते हैं कि अब प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए गोवर्धन। तो आपको बता दें धनबाद से ये खबर थी, जहां एसएसपी एचपी जनार्दन के निर्देश पर टीम ने निरसा थाना क्षेत्र के श्याम ट्रेडर्स भट्टा श्याम ट्रेडर्स में छापेमारी की। सूचना ये मिल रही है कि भट्टा श्याम ट्रेडर्स में कोयला भंडारण किया गया है और इसी पर जब मुख्य द्वार पर पहुंची पुलिस तो वहां ताला लटका हुआ मिला, जिससे पुलिस जो है श्याम ट्रेडर्स के भीतर छापेमारी करने नहीं पहुंच पाई। हालांकि इस असफलता के बाद पुलिस ने वहां कैंप किया हुआ है। अब देखना यह है कि पुलिस इसमें कितनी त्वरित कार्रवाई कर पाती है।